पी, नीचे से, यहाँ से नीचे, ठीक है। एबीसीडी सुना, बोलो एच एच इसमें दो अक्षर के शब्द, इस तरफ तीन अक्षर के शब्द। एच के बाद बोलो आई आई जे एबीसीडी भी बोलने के लिए सीखो। बोलो जे के एल, पहले यहाँ से देखो ये क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ठीक है। इसमें दो अक्षर के शब्द, देखो ऐसे लाइन खींच के थोड़ा सा ऐसे दो 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 लाइन छोड़ के ऐसे लिखना, ठीक है ठीक है। इस तरह से सामने सामने लिखना। बालवीर आ जाओ, देखो सुलेख कल कल ऐसे काला कल काला कल हाँ माता मत माता मत घरा घर घरा घर चला चल चला चल क्या हो जाएगा कल मत घर चल चल ऐसे ऐसे लाइन खींच के करना है। करने या होने का पता चले, का हाँ उसे क्रिया कहते हैं। पहले एक बार मिला लो, मिला लो फिर से। क्रिया व क्रिया नहीं नहीं शुरू से क्या लिखो या होने उसे क्रिया कहते हैं। अब देखो बालवीर ए स्मॉल लेटर ए स्मॉल लेटर्स ए टू जेड या लिखना ए बी सी डी ई एफ देखो अब आ रहा है हाँ यहाँ नीचे दिख रहा है पक्का जो जो उसमें करेगी ना सब आ जाएगी इधर हमारी मैडम हाँ मैं जाऊँ हो गया मेरा काम कहाँ चलो अभी अभी आ गई मैं देखो ना मा का नमक सा का सड़क ग र म गरम म ट ड मटर। आज गड़बड़ हो गया, आज इनको 3:30 में आना चाहिए था। एक काम करो तुमसे बैग रखो और आधा घंटा के बाद आना, सीट ही नहीं है क्या करोगे कोई बात नहीं रख दो ना आधा घंटा के बाद। ये हम दोनों जा रहे हैं।
सारी आशा कर रही था ना, सुबह वाले में नहीं हमें पढ़ाई या तो एक काम कर, अभी आज चलो ऊपर बैठ जाओ, हम दो बच्चों पे वहाँ बैठा हमें नहीं कोई बात, अगर आधा घंटा बस बस ये अभी जाने वाले हैं ना, अभी बैठ के आप लोग याद करो अपना काम, ठीक है? अभी ये सब जाने वाले हैं, उसके बाद आप लोग को पढ़ाओ। देखो प त न कीप साइलेंट, ए फर्स्ट सेकंड थर्ड याद नहीं, भूल गई। एफ आई आर एस टी फर्स्ट ए सी सी ओ एन डी सेकंड बनाने बैठ के याद करो अपना निकाल करके, ठीक है? इससे क्या हो रहा था? अरे वो कुछ काम करते हैं, तेज कर रहे हैं। ये देखो च म क चमक, ग ग न गगन, ध्यान ध्यान से, ठीक है? दिन भर रोड पे, दिन भर रोड पे रहता है, दिन भर याद नहीं आता, याद करो मैं रोज देखी ना, मुझे देखेगा ना, आज सारे लखों के बच्चे मिलते हैं इसको, जाओ ना नगर आवाज रिकॉर्डिंग हो रही होगी, हम सबकी हमारी आवाज आ रही है, किप हम गाने बोल देता है, दीदी वाह ये आ वाह ना हवन उठा के मार मारते हवन, मैं ऐसे टी लिखता है, टी ऐसे लिखना है, अब बाद में देखूंगी ना, ऐसे लिखेंगे ऐसे ऐसे लगे सर, नहीं लगे सर, मारो बहुत जोर से मारो, घर पे चिल्ला 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 के रह जाते, लेकिन जैकेट नहीं पहन रहे बिल्कुल भी, मारो साथ, अगले दिन से जैकेट पहन के आए, नहीं आप मुझे दीजिए ना, दीजिए मुझे, मैं पता है मैं घर पे चिल्लाते चिल्लाते परेशान हो जाती, लेकिन जैकेट नहीं पहनेंगे, हाँ ठीक है, इंग्लिश का तो हो गया ना, दोबारा करवाई है, क्या खा रही है? मेरी हो गई याद हो गई, अरे क्या रही, मेरे पास है, मेरे पास है, लेकिन मैं खा नहीं रही हूँ, खाने के पास भी है लेकिन मैं खा नहीं रही हूँ आपकी तरह, सिंपल दो दो मिनट, एक पेंटिंग को दो दो मिनट बना रहे हैं, ये हमारे स्टूडेंट हैं, ये वाले जो है ये दोनों एक पिक्चर को मिलकर दो बना रहे हैं,
दिस इज नॉट गुड ना सर, हमारी ड्राइंग खराब हो जाएगी। क्यों क्यों बना रही है दो लोग मिलकर? सर हम लोग फ्रेंड हैं। अच्छा इसलिए सर हम चप्पल किसको फोन गाली देते हैं? ये है ना, अगर कोई थप्पड़ मार दे ना तो वो चप्पल उठा लेता, वरना ईंट उठा लेता। कौन, कौन, कौन? वो बैठा हुआ है। कौन है? ये बैठा हुआ है। मम्मी उसकी उसी दिन बोली थी ना कि ठोका करिए इसको, तीन साढ़े पूरे दिन। अरे वो जितने अरे बी एफ एफ सुधार नहीं जा बैठ जा ये सुधार नहीं। क्या नाम ने इतना जोर से मार दिया उसको? उसकी मम्मी बोल के गई है। अरे मत मारो सर, अरे यार सर मैं इनसे बोलो ना, नहीं मारे उसे। इसकी मम्मी भी बोल के गई है कि इसको थोड़ा कूटने के लिए सर को बोलो, उसी भी सर बोले के मान जाओ कुछ मत किया तब भी गाली क्यों देते हो? गाली ये जानते पूरी गली अंदर के जितने बेकार बच्चे लोग उसी के दिखा कर दो विशाल। तो आप बिल्कुल जो होमवर्क वहाँ बैठे थे, इतनी सुंदर राइटिंग भाई तो बोल रही, इतनी सुंदर राइटिंग। नहीं ये सबको गाली देता है, एक दिन का नहीं है, एक बच्चा नहीं। इसको रोज बोलती हूँ कि मम्मी के साथ जाया करो अपनी बहन को लाने के लिए, मम्मी इसकी चली जाती है ना, इसको लाने चली जाती है ना तो डेढ़ घंटे के बाद आती है। इसकी मम्मी को भी तो उस दिन मैं सिखाई थी कि अगर ये हाथ से निकल जाएगा ना तो आपका सब बेकार हो जाएगा। अंजलि तो सुधर, बार बार एक ही चीज लिख के दिखा दी मुझे। चलो चुनाव पापा का नाम बोलो, बोलो हाँ जोर से। लो सर देखो क्या बोल रहा है सर, मैंने इनकी जेब में से पैसे निकाल लेना है। आयुष बोल सर मैंने दिए ना, कुछ किसने गैस छोड़ा? किसने बोलो फिर? राम नारायण, नारायण बोलो। स्पेलिंग पापा के नाम का स्पेलिंग सुनाओ। लिया क्यों मतलब?